हेलो दोस्तों, मैं विशाल प्रजापत स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट विशाल में। और दोस्तों काफ़ी मेरे और मैं विशाल प्रजापत दोस्तों काफ़ी मेरे यूट्यूबर्स और काफ़ी सब्सक्राइबर्स इस बात को लेकर मुझसे बहुत कमेंट कर रहे थे, मुझे बहुत व्हाट्सअप आ रहे थे, मुझे बहुत ईमेल आ रहे थे कि दोस्तों किस तरीके से जो है हम अपने चैनल पर जो है थंबनेल बना सकते हो, आप किस तरीके से अट्रैक्टिव थंबनेल्स को बनाते हो, किस तरीके से कैसे उसको डिज़ाइन देते हो, एक कलर डिज़ाइन देते हो, उसमें कलर्स किस तरीके से लगा सकते हो आप। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। और सबसे पहले दोस्तों मैं किसी भी कंप्यूटर और किसी भी लैपटॉप से या पीसी से अपने जो है थंबनेल को नहीं बनाता हूँ, मैं अपने मोबाइल से ही अपने थंबनेल को बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हो, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से जो है यूट्यूब पे थंबनेल बना सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, जिसका नाम है पिक्सल लैब। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्सल लैब। तो आप देख सकते हो पिक्सल लैब ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसकी डाउनलोडिंग रेटिंग्स काफ़ी अच्छी है, 4.6 की इसकी जो है रेटिंग है और 10 मिलियंस इसकी डाउनलोडिंग है। आप देख सकते हो इसे यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आप पिक्सल लैब। और डाउनलोड करने के बाद इसे यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करके जैसे ही आप इसे ओपन करोगे दोस्तों, कोई भी यूट्यूबर से जो जितने भी यूट्यूबर से अधिकतर इसी से ही जो है वीडियो बनाते हैं और इसी से ही मतलब थंबनेल को बनाते हैं, और इससे काफ़ी जो है अच्छा लुक इसको थंबनेल का दिखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जैसे ही आप इस पर आओगे तो आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से इसे सबसे पहले इसमें आपको यहाँ से इमेज साइज़ पर चले जाना है और यहाँ पर आप एफबी कवर स्क्वायर प्रोफाइल पिक्चर यूट्यूब चैनल बैनर यूट्यूब थंबनेल फेसबुक कवर आर्ट गूगल प्लस कवर आर्ट, तो सभी मतलब सभी कवर्स के जो यहाँ से थंबनेल्स और कवर्स या फिर प्रोफाइल पिक्चर्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब थंबनेल कर देता हूँ। यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साइज़ जो है सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे ही साइज़ सिलेक्ट हो जाएगी, आप अगर इसका कलर चेंज करना चाहो तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो जैसा कि देख सकते हो आप कोई सा भी कलर्स यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ये देख सकते हो आप यहाँ से कोई सा भी आप कलर यहाँ से ले सकते हो। तो फिलहाल कोई सा भी एक कलर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसा कि मैंने ये कलर ले लिया है। और जैसे ही अगर आपको इस पर कुछ भी लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो, तो आपको यहाँ से प्लस के निशान पर क्लिक कर देना है और टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो टेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे, इस पर डबल बार टैप कर दीजिएगा और यहाँ पर अपने टेक्स्ट को लिख दीजिएगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ YouTube मैंने यहाँ पर लिख दिया YouTube चैनल बैनर कैसे बनाते हैं। तो आपको यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से इसे सेव करने के लिए ऑप्शन मांगा जाएगा। तो यहाँ पर इसे आप अपनी साइज़ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर आप साइज़ भी बड़ा कर सकते हो। इसमें आपको ए पर जैसे आओगे आप अपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर कोई सा भी एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। तो फिलहाल ये थोड़ा अच्छा फ़ॉन्ट है, इसको यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। जैसे आप फ़ॉन्ट पर क्लिक करोगे, आप यहाँ से इसके टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने कलर सिलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ पर राइट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और आप इसमें चाहो तो एक फिनिशिंग भी डाल सकते हो, इसका बैकग्राउंड भी आप देख डाल सकते हो, कोई सा भी बैकग्राउंड। ये देख सकते हो आप इसमें बैकग्राउंड भी आप अच्छे से लगा सकते हो। तो फिलहाल ये बैकग्राउंड मैं यहाँ पर रख देता हूँ और यहाँ से आप इसके फ़ॉन्ट को जो है थोड़ा डार्क कर सकते हो, डार्कनेस इसकी बढ़ा सकते हो आप। तो देख सकते हो आप काफ़ी अच्छा इसका लुक जो है देखने को मिल जाता है हमको। तो इसको बढ़ाने के बाद आप इसकी साइज़ भी बड़ी कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से भी साइज़ इसको बड़ा कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये साइज़ को रख देता हूँ। साइज़ को रखने के बाद दोस्तों होगा क्या, आप अगर आप किसी भी इमेज को यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर प्लस के निशान पर जाइएगा और फ्रॉम इमेज पर क्लिक कर दीजिएगा। फ्रॉम इमेज के जाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर अपने जो है चैनल के जो है बैनर को डाल देता हूँ।
तो यहाँ से आप इसकी साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर साइज़ थोड़ी छोटी कर लेता हूँ और यहाँ से इसे छोटा करके आप इसके यहाँ पर लगा सकते हो। तो इसको लगाने के बाद दोस्तों आप इसमें एरो वगैरह भी ऐड कर सकते हो, इसमें काफ़ी अच्छी जो है इसकी क्वालिटी को दिखा सकते हो आप। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आप इसमें कर सकते हो, अच्छे अच्छे फीचर्स क्या क्या हैं इसमें। आप कलर अपने फ़ॉन्ट को भी जो है स्टाइलिश कर सकते हो, जैसा कि ये देख सकते हो मेरा जो बैनर है वो। और फ़ॉन्ट का मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ॉन्ट में क्या क्या आपको फीचर्स मिल जाते हैं। तो आप कलर में इसको जाने के बाद किसी को डार्क भी कर सकते हो, किसी का अट्रैक्टिव लुक हटा भी सकते हो, जैसा कि ये देख सकते हो आप यूट्यूब चैनल अलग हो गया। तो इस तरह से आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो। और स्टाइल में जाने के बाद आप इसको काफ़ी स्टाइल इसमें मिल जाते हैं। इसकी अंडरलाइन आप इसके जो फॉन्ट को साइड में कर सकते हो, अंडरलाइन इसमें दे सकते हो। और इसमें काफ़ी अच्छी जो है इसमें 3D डिज़ाइनिंग आप डाल सकते हो। तो देख सकते हो आप ये 3D फॉन्ट इसको कर सकते हो, 3D टेक्स्ट आप इसमें बना सकते हो। ये देख सकते हो आप 3D टेक्स्ट आप इसमें बना सकते हो, इस तरीके से आप टेक्स्ट को बना सकते हो 3D। शेडो आप अच्छे से दिखा सकते हो इसकी, देख सकते हो आप ये काफ़ी अच्छा जो है लुक इसको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों सभी यूट्यूबर्स इसी जो पिक्सल लैब की मदद से ही आप अच्छा खासा इसमें जो है थंबनेल को डिज़ाइन दे सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं हर वीडियो का अपना जो थंबनेल होता है इसी ऐप से बनाता हूँ, और आप भी इसी ऐप से ही बनाइएगा क्योंकि आपका जो है थंबनेल काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है इसमें बनाने के बाद। काफ़ी कलर्स काफ़ी अच्छे जो है इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह हमको देखने को मिल जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ भी करना हो तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और अगर आपको सच में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें जो मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों तब तक के लिए बने रहिएगा #technicalsupportvishal। थैंक यू फ्रेंड्स।